हेलो गाइस, वेलकम टू 17th ऑफ नवंबर 2023 करंट अफेयर सीरीज। और आज जो है करंट अफेयर्स फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गए हैं डिफरेंट न्यूज एजेंसी से, द हिंदू और बहुत सारे। तो चलिए पहले हेडलाइन देख लेते हैं करंट अफेयर्स की। पहला जो करंट अफेयर निकल के आ रहा है वो है आपका प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन, ये पहला क्वेश्चन है इसका। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन निकल के आ रही है वो है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड जो करंट अफेयर निकल के आ रहा है वो है व्हाट इज द निर्भय क्रूज मिसाइल, और नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो है सागर कवच के ऊपर। उसके बाद जो करंट अफेयर है वो है कैवरोडोमा 360 के ऊपर, और उसके बाद के जो करंट अफेयर है वो है मार्स सोलर कंजक्शन के ऊपर, और उसके बाद जो करंट अफेयर निकल के आ रही है वो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के ऊपर, और उसके बाद जो करंट अफेयर निकल के आ रही है वो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के ऊपर, और जो सबसे लास्ट करंट अफेयर वो निकल के आ रही है वो है हमारी MSCI इंडेक्स के ऊपर। तो ये तो है थे हेडलाइंस। अब चलिए इसको पूरे नैरेटिव वे में पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट को देख लेते हैं। और क्वेश्चन बन के आ रही है व्हाट इज द फोकस ऑफ द प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, दूसरा है आरटी एग्रीकल्चर ग्रोथ, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और चौथा है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, अब न्यूज़ में क्यों है और थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन के बारे में, तो ये लॉन्च हुआ था बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी था, इसे रांची में सेलिब्रेट किया गया है। ओके, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और जिसको पिछले 3 साल से जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे भी मनाया, 2021 से ये स्टार्ट हुआ है, और जितने भी आदिवासी हैं वो हर साल जो है उसे जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, या वो छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, सबसे ज़्यादा झारखंड में कहा जाता है, या साउथ में जहाँ पर भी हो। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या। ओके, मोर वनरेबल ग्रुप होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स में भी, जो एकदम कोर लेवल का होता है ना, जो जिनकी संख्या भी कम है और जिन्हें बचाना एक्सटेंड लेवल के कैटेगरी में आ गए, तो ये। ओके, और ख़ास बात ये होती है कि प्राइमेटिव ट्राइब ट्रेड्स होते हैं, इनका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी होता है, ये हर जगह नहीं मूव करते हैं, पढ़ाई लिखाई उतना नहीं करते। जैसे आप यहाँ का सुनोगे, जो आपका अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पर भी सेंटिनल ट्राइब्स हैं, जो सेंट्रल आइलैंड पे जो ट्राइब्स रहते हैं उससे भी गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। ओके, और कह रहा है 1973 देवधर कमीशन सेटअप एज सेपरेट कमिटी कैटेगरी फॉर ट्राइबल प्राइमेटरी ट्राइबल ग्रुप्स, और 1975 की बात कर ले तो सेंटर ने 72 ट्राइबल ग्रुप्स को जो है TGs के दर्जा पे रखा। 93 की बात कर ले तो 23 और ग्रुप्स को जो है ऐड किया गया लिस्ट में। 2006 की बात करें तो जो ग्रुप है उसको नेम रखा गया PVGTGS। ओके, करेंटली बात करें तो 2.8 मिलियन PVGs बिलोंग करते हैं 75 ट्राइब से, और वो भी 22,544 विलेजेस से, जो कि 220 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ओके, और इस न्यूज को जो है द हिंदू ने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं हम लोग, अब पूरा डिटेल आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पैरिटी एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन इन विच रीजन। ओके, तो ये आपका निकल के आ रहा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, याद रखना। और क्वेश्चन जो है ये कह रहा है आपका, चार स्टेटमेंट है, यूरोप, साउथ अमेरिका, इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, और जो है करेक्ट आंसर है इसका इंडो पैसिफिक। अब न्यूज़ में क्यों है थोड़ा वो जानना इम्पोर्टेंट है, और क्या ये कह रहा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, इस न्यूज़ को जो है TOI ने कवर किया है, कह रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, देखो पूरा न्यूज़ शुरू से सुनाता हूँ आपको। जो प्राइम मिनिस्टर जो है, नहीं ये मैं आपको डिटेल बताता हूँ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उसमें एग्रीमेंट एक साइन किया गया, क्यों, क्योंकि सप्लाई चेन और लेबर रूल्स जो है उसको स्ट्रिक्टली
एम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब किसी भी तरह से जो है लेबर के आईएलओ के अगेंस्ट नहीं चलना, ठीक है? तो थोड़ा और डिटेल में इसको थोड़ा जान लेते हैं तो हमारे लिए भी अच्छी रहेगी। चलो, इट इज़ अ रीजनल अरेंजमेंट टू बिल्ड कॉपरेशन और एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा रीजनल अरेंजमेंट है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इंडिया और पैसिफिक रीजन का, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। दूसरा कह रहे हैं कि लॉन्च जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किया गया था आज से 1 साल पहले, मई 2022 में, मतलब 1.5 साल के आसपास पहले ही ये लॉन्च हुआ गया था। ओके, और थोड़ा इसके बारे में डिटेल जो है वो बताता हूँ आपको। कहता है कि दिस फ्रेमवर्क इज इंटेंड टू एडवांस रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल टी इंक्लूसिवनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, बहुत सारी चीज़ जो है ये होगा। सिंपल सी बात करो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ओके, ये और ज़्यादा बढ़ेगी। जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगी इकोनॉमिक ग्रोथ करने में, और उतना ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, और देख लो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है बताने लायक तो, ठीक है? नहीं तो ठीक है, आईने कवर किया था। और एक खास बात याद रखना कि इंडिया जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, लेकिन सारे पिलर्स पे नहीं करती है। अभी करेंटली 14 पार्टनर कंट्रीज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, दारुसलाम, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम भी है। चार पिलर हैं इसके, इंडिया एक्टिवली है इसमें लेकिन चारों पिलर पे काम नहीं करती है। ट्रेड, सप्लाई चेन रेसिस्टेंस, क्लीन एनर्जी और टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। ओके, याद रखना ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, पर मेंबर्स को ये नेगोशिएट करने के लिए मदद करती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है हमारा, निर्भय क्रूज मिसाइल के ऊपर से आ रही है, और न्यूज़ क्या कह रहा है वो आप देख लो एक बार। ये न्यूज़ जो है इसे इंडिया टुडे ने कवर किया है। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि निर्भय क्रूज मिसाइल जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, एयर टू एयर है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके, और इस न्यूज़ को जो किसने कवर किया बताई थी आपको, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों निकल के आई है। इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो कंडक्ट करेगी लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल निर्भय, और उसके बाद जो है अपने इन्वेंट्री में इसे एड ऑन करेगी। 1,000 किलोमीटर का रेंज है, मतलब देखो तो आप दिल्ली से करीब करीब साउथ पहुंच जाओगे, इतना स्पीड में रेंज आता है, उसे भी बैठ के चले जाओ जल्दी पहुंच जाओगे। चलो, जो सब बात निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर ले, लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, एकदम क्रूज सुपर सोनिक जो होती है वो तो एकदम हवा से बात करती है। वैसे भी ये लोग का स्पीड हवा के जितना होता है, लेकिन वो तो और ख़तरनाक लेवल पर होती है। पहला भारत में बना हुआ स्वदेशी क्रूज मिसाइल है, और बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसे डेवलप कर रही थी, और लैब जो है वो DRDO ने ही दिया था, वहीं पे बन रहा था। फीचर्स की बात कर ले तो 6 मीटर का होता है लेंथ में, लेकिन जो है इसका स्ट्राइक लाइन टारगेट्स जो है वो 1,000 किलोमीटर तक रहता है, तो बहुत शार्प है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है 1,000 किलोमीटर लंबा अगर ये सफाई करती है तो, ठीक है? और GPS INS से आप इसे जो है वो गाइड कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सागर कवच के ऊपर। ओके, और सागर कवच का जो न्यूज़ है वो कवर किया है रिपब्लिक वर्ल्ड में, याद रखना, जहाँ से हमने लिया है। अब सागर कवच के ऊपर चार स्टेटमेंट है वो देख लो। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट या फिर वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ओके,
चलिए तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ओके, ये जो है तैयार है केरला और माहे कोस्ट में होने के लिए, ओके। और इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, तो याद रखिएगा जो मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, अपने डीप एसेट्स बनाते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मछुआरे हैं, ये लोग को एज अ स्पाई बोलेंगे काम करो, ताकि इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब लोकल जो मरीन फिश हंटर जो होते हैं उन लोगों को ये लोग स्पाई की तरह यूज़ करते हैं, ओके। ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है रिपोर्ट करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा खतरा हमारे देश को तो फिलहाल पानी से ही है। बांग्लादेश में जो इतने भी घुसपैठिए घुसे हैं वो सब सारा का सारा पानी के रास्ते से मैक्सिमम देखा जाए, चाहे वो कोलकाता का है या कहीं से भी, ओके। स्ट्रेटेजिक डिफेंशन में बात करें तो अटैक वर्सेस डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो भी रेड अलर्ट पे थे, ओके। रखे जाते हैं कि भाई आप काम कैसे करा सकते हो। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब देखा जाए तो ये लोग अलग अलग सेक्टर्स में काम कर करके जो है वो अपना जो है स्पाई एक तरह से देखो तो ये लोग डीप एसेट्स को बनाते हैं, ओके। तो सागर कवच जो है यही काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कह रहा है कावरो डोमा 360, ओके। तो चलिए न्यूज़ को देख ले थोड़ा। ये एक बैलिस्टिक हेलमेट है, याद रखना। कानपुर बेस्ड एमक्यू लिमिटेड रिसेंटली अनवील्ड द कैवरो डोमा 360 एट मिनी पोल पेरिस, ओके। तो कानपुर बेस्ड है लिमिटेड, लेकिन वो जो अभी इसने अनवील किया है कैमरो डोमा 360 को, वो पेरिस में किया है। अब इसके बारे में बात कर ले तो फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है ये, सोच लो कितना ज़बरदस्त पावरफुल होगा। और बात कर लें कि इट इज़ इंडिजियसली डेवलप्ड बाई कानपुर बेस्ड एमकेयू लिमिटेड। तीसरी बात कर लें तो वर्ल्ड फर्स्ट यूनिफॉर्म राइफल प्रोटेक्शन हेलमेट है ये, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म राइफल प्रोटेक्शन हेलमेट है ये, तो बहुत ही अच्छा है, ओके। और इसमें क्या है, यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन जो है वो 5 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हेड के, एक्चुअली फ्रंट बैक लेफ्ट राइट एंड क्राउन अगेंस्ट थ्रेट्स लाइक AK-47। अगर मार दिया जाए तो इतना पावरफुल बनाया गया है कि ये कुछ नहीं करेगा, मतलब छेद नहीं होगा। जनरली क्या होता है, हेडशॉट लेने के बाद कहानी समाप्त हो जाता है, तो इसके लिए बहुत पावरफुल बनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा जान लो कि फर्स्ट एंटी राइफल हेलमेट है ये, और वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और किसी के सर में गोली लग जाए ना उसके बाद बचना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ये हमारे डिफेंस सेक्टर को मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सही में, ओके। पर अभी ये शोकेस कराई गई थी पेरिस में, याद रखना। इसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF में डाली दिया है, जितना इंपॉर्टेंट हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रही है वो है मार्स सोलर कंजंक्शन से, ओके। ये अलाइनमेंट ऑफ मार्स विद द सन होता है। अब न्यूज़ में क्यों आई है वो देख लो। मार्स सोलर कंजंक्शन जो है वो रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है कि ये अपना जो कमांड है वो भेजना बंद करेंगे, ओके, क्योंकि मार्स सोलर कंजक्शन होने वाली है। तो जो सिग्नल्स ये लोग भेजते थे वो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा, या हर साल ये फेनोमिना देखा जाता है। अब सोलर कंजक्शन होता क्या है, ओके। जब सन जो है वो अर्थ और मार्स के बीच में आ जाए, और ये हर साल में 2 बार के आसपास ऐसा ज़रूर होता है। इस पीरियड में क्या होता है कि सन जो है वो हॉट आयोनाइज गैस जो है उसके कोरोना से निकलती है, मतलब ये सन है तो ऐसे ऐसे जैसे कोरोना होता है ना वहाँ से, और मतलब हॉट और आयोनाइज गैस जो है बहुत ज़्यादा निकलती है, ओके। और ख़ास बात यह है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो देखा भी जा रहा है स्पेसक्राफ्ट से, तो ये भी एक रीज़न है। और इस साल जो है ये नवंबर 11 से लेके नवंबर 25 तक चलेगी, ओके। तो ऑलरेडी आज 17 नवंबर है, और फिलहाल 8-9 दिन जो है ये करना पड़ेगा इन लोगों को, ओके। बाकी आप देख लेना मार्स के बारे में, चौथा प्लैनेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रही है वो है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ओके। इट इज़ एन इवेंट दैट एम्स टू शोकेश
साइंटिफिक अचीवमेंट्स, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 9th एडिशन जो है इंटरनेशनल स्पेस इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, वो फरीदाबाद हरियाणा में होगा जनवरी 17 से लेके 20, 2024 तक। ओके, और इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात बात कर लें तो ये जो है कैंपस ऑफ ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि रीजनल सेंटर है बायोटेक्नोलॉजी का, वहाँ पे होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है आपका वो हरियाणा में पड़ता है। इस साल का जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ओके, वैसे भी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना ही रहे, 75 साल हो चुका है इसीलिए। और देखा जाए तो IFSF 2023 जो है उसके पास 17 थीम्स थे जो दिखाने के लिए, साइंटिफिक थीम्स अगर मान लिया, या फिर अचीवमेंट भी आप मान सकते हो। खास बात इसमें यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये आती है, ठीक है। और 2015 से लेके ये 8 बार होस्ट हो चुकी है। ओके, और इसमें इतना डिटेल आप बस इतना जो आपको यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं नरेट करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रही है वो, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ओके, सो करेक्ट आंसर है फैसिलिटेट हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को। अब न्यूज़ में क्यों है वो देख लो। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IRDAI कहते हैं, उसने जो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के साथ हाथ मिला लिया। ओके, अब ये क्या करेगा, इससे क्या होता है, जो हमारे जो कवर अप रेशियो है वो और इम्प्रूव करेगी, और रिबर्समेंट जो होता है हमें वो भी बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, तो ये एक डिजिटल हेल्थ क्लेम्स प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई है, और गेटवे बनाएगी एक किस चीज़ के लिए, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाने के लिए, किसमें, तो हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम्स में। ओके, और ख़ास बात ये है कि इट इज़ डिज़ाइंड एज एन इंटरऑपरेबल मशीन, रेडेबल और डिएबल एंड वर्नेबल, एज वेल एज इंश्योर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इन एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। ओके, तो ये दिखाएगा कि ये काम क्या करेंगे, ये दोनों का पार्टनरशिप में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ओके, अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि एपेक्स बॉडी है जो कि इम्प्लीमेंट करता है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जल आरोग्य योजना क्या। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो है इक्विटी फंड्स प्राइमरीली इन्वेस्टेड, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन बन रहा है, और ये स्टॉक्स एंड शेयर में इन्वेस्ट होता है। ओके, अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी ड्यूरिंग द जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर, देखा जाए Q3 में, एक्टिव इक्विटी फंड्स जो हैं उसने विटनेस की है नेट इनफ्लो ऑफ 7,000, मतलब 74,000 करोड़ विद फंड मैनेजर्स, वाई पैसिव इक्विटी फंड जो है वो देख रही है 9,000 करोड़ ऑफ इनफ्लोज। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अगर आपने ढंग से पढ़ी है इकोनॉमी में तो ही समझ में आएगा, नहीं तो वैसे जो कहते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आएगा सब आपके ऊपर से पार हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इकोनॉमी में ये पढ़ा है अच्छे से तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, देखो इक्विटी फंड्स के बारे में सिंपल बात कर लो, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये जो है इसका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक्स में होता है। ओके, और इसे एक्टिवली या किसी और के थ्रू भी आप मैनेज करा सकते हो, और इस प्रोसेस को जो है वो स्टॉक फंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट देख लो, स्टॉक म्यूचुअल फंड्स आर प्राइमरीली प्रिंसिपली कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू कंपनी साइज, इन्वेस्टमेंट टाइटल ऑफ द होल्डिंग्स इन द पोर्टफोलियो। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि ये कंपनी साइज, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, पोर्टफोलियो और ज्योग्राफी सारे को सारे वो देख के उसके बाद ये फंड्स के ऊपर बातें करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में है, वो है MSCI इंडेक्स। ओके, कॉमनली यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ किसका, तो स्टॉक मार्केट्स ऑफ इकोनॉमिक स्पेसिफिक रीजंस का, ये भी इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर जो है MSCI, उसने अनाउंस किया है वो 9 स्टॉक्स जो है MSCI
ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के, उसे इंक्लूज करिए। ओके, और ये इफेक्टिव एज ऑन द क्लोज ऑफ नवंबर 30 तारीख तक ये इफेक्टिव रहेगी। ओके, तो ये बता रहा है कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहा है कि ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर जो है MSCI, उसने अनाउंस किया है कि 9 स्टॉक्स जो है MSCI के, उसे वो इंक्लूजन करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर निकल गया है मेरे हिसाब से, बाकी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब MSCI इंडेक्स जो है ये क्या है, ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड फिनेंशियल सर्विसेज है, जो कम मॉर्गन स्टैनली जिसको ये भी कहते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो है ओन किया गया है मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और फिनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। ओके, और बात कर ले तो इन्वेस्टमेंट रिसर्च जो है उसमें स्टॉक्स इंडेक्सेस, पोर्टफोलियो रिस्क और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स के तौर पे, ओके जो है वो इससे आप मदद ले सकते हैं या फिर अपनी मदद जो है वो वहाँ पे ये कर सकते हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता और इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। अब याद बस इतना याद रखो कि MSCI का जो इंडेक्सेस है वो कंट्रीज रीजन्स जो भी मार्केट जो राइज कर रहा है और डेवलपमेंट मार्केट प्लस स्मॉल कैप और किसी भी तरह का कैप इवन इस्लामिक इंडेक्सेस सबको ये जो है वो इंक्लूड करता है। ओके, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस टुडेज लेक्चर। फिर हम लोग आशा करते हैं कि इसी समय, या कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।